गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मी योर फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो दोस्तों, आज होम विजिट मास्टरी के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करूंगा जो कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक रोड मैप देने में। दोस्तों, हमेशा लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आपके पास एक अच्छा रोड मैप होना ज़रूरी है। और जो मैं आपको फार्मूला देने जा रहा हूँ, इस रोड मैप की वजह से, इस रोड मैप की मदद से आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस फार्मूले का नाम है ABS। ABS, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ABS की। ABS मींस ए मींस आर्नोल्ड श्वार्जनेगर। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशन में आर्नोल्ड जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहा और मैंने देखा कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। कम से कम 10 सालों तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं करी अपनी जिम से। तो दोस्तों, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ख़ुद ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और लगातार आप अपने पेशेंट को बोल रहे हैं कि नहीं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन, आपका माइंड उस चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ही नहीं। जब कभी आप किसी काम को दूसरे को करने के लिए कहते हैं और उस काम को खुद नहीं करते हैं, तो आपका ब्रेन और बॉडी उसका कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं पाती और आपके शब्दों में वो एनर्जी नहीं होती। तो कोशिश करिए कि कुछ कुछ भी हो जाए, आप सेल्फ एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आप योगा करें, चाहे आप एरोबिक करें। दोस्तों, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो पिछले 14 से 15 सालों से मैं लगातार योगा करना मुझे पसंद है और शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब मेरी अब्सेंट हुई हो। दूसरा नाम है दोस्तों ब्रूसली, ABB स्टैंड्स फॉर ब्रूसली। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, 1970 के अंदर ब्रूसली ने अपने सामने गोल रखा था कि वो हॉलीवुड का सबसे महंगा स्टार बनना चाहता है और उसने ये गोल 10 साल के लिए रखा था, लेकिन उसने महज 3 सालों में कर लिया। तो दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त थी और आज भी उसकी डेथ के कम से कम 30 ईयर्स के बाद भी हम लोग उसका नाम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। तो दोस्तों, आप जो कुछ भी करें, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन हो, उसके अंदर आपने वो हाइट हासिल करनी है, वो अचीवमेंट्स हासिल करने हैं, वो नॉलेज हासिल करनी है जो अनकम्पेरेबल हो, अनबीटेबल हो। लगातार किसी भी कीमत पर आपने अपसेंड नहीं करना है अपनी प्रैक्टिस से। और दोस्तों, तीसरा और आखिरी नाम है एस, यानी कि सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नाम और शोहरत मिलती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पोलाइटनेस को ना छोड़ना, अपने एथिक्स को ना छोड़ना, अपनी मोरल और सोशल वैल्यूज़ को ना छोड़ना, डाउन टू अर्थ बने रहना। एक बार गैरी किस्टर ने कहा था कि मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में मेरे से सीनियर है, लेकिन जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना तो हमेशा प्रैक्टिस के लिए वो सबसे पहले आते थे और कभी भी एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे सीनियर है या उनके अंदर किसी भी तरीके का ईगो है। तो दोस्तों, बड़ा इंसान बनने के लिए, एक महान इंसान बनने के लिए और एक ग्रेट प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास एक रोड मैप होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी होम विजिट करते हैं, आपका अपनी होम विजिट में एक बहुत बड़ा नाम होगा अपनी सिटी में, अपने शहर में, और एक आपका जाना पहचाना चेहरा होगा जिसे पूरी दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर हेमंत गौड़ आपसे मिलता हूँ 18 जुलाई को रात 9 बजे अपने वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।